Hello everyone. So Durvisha, who is my favorite face in drama industry, I love her. So unne ek makeup tutorial ki video banayi thi. Uska ek chota sa clip main aapko dikha rahi hu, fir uske bare mein baat kar. True. Smells good. I love watermelon. You know, I know there are some people who don't like the smell of who don't like any smell in their serums or creams, but I like a good smell. Okay. तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें दुर्विशा ने बताया कि उनको अच्छी स्मेल वाली या फ्रेग्रेंस वाले जो सीरम्स हैं वो बहुत पसंद हैं। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि फ्रेग्रेंस स्किन के लिए अच्छी है या नहीं, तो इसके बारे में एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल सी ओपिनियन है। अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, आपकी स्किन पे रोजेसी है, आपकी स्किन जो है वो उसका स्किन बैरियर डिस्टर्ब है, तो फ्रेग्रेंस इज अ किलर फॉर योर फेस। फ्रेग्रेंस आपकी स्किन को और ड्राई करती है, आपका जो स्किन का बैरियर है उसको और डिस्टर्ब करती है। ये आपकी स्किन को फोटोसेंसिटिव यानी लाइट और हीट की तरफ और ज़्यादा सेंसिटिव बना देती है। अल्टीमेटली इससे होता क्या है कि आपकी स्किन की जो एजिंग है वो स्पीडीली होती है। आपकी स्किन पे अगर आप बहुत लंबे अरसे के लिए फ्रेग्रेंस वाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते रहें तो आपकी स्किन पे जो झुर्रियाँ हैं, रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, वो जल्दी आने लग जाते हैं। और क्योंकि आपकी स्किन फोटोसेंसिटिव हो जाती है, लाइट के लिए बहुत ज़्यादा हसास हो जाती है, तो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन आने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो एज अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट मैं आपको बताऊंगी कि अगर तो आपकी स्किन दुर्विशा जैसी है, एब्सोल्युटली अमेजिंग, शी सो सो प्रिटी, आई लव हर, तो आप दिल खोल के कुछ भी इस्तेमाल करें। अगर आपकी स्किन उतनी हेल्दी है, एब्सोल्युटली स्किन बैरियर इंटैक्ट है और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है स्किन पे, लेकिन अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, रोजेसी है, इसके अलावा स्किन बैरियर डिस्टर्ब है, एक्जीमा है, तो प्लीज़ फ्रेग्रेंस फ्री स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, बिकॉज अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन दे आर वेरी वेरी डैमेजिंग फॉर योर स्किन। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपके सामने अपने फेस पे परफ्यूम स्प्रे करूं तो आपको मैं अजीब या स्टूपिड लगूंगी। तो बिल्कुल जिस तरह परफ्यूम्स में फ्रेग्रेंस यूज़ होती है, वही फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली वो स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल करते हैं। इन इट्स एब्सोल्युटली नॉट हेल्दी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद योर स्किन, जो जनरली आजकल 60-70% पॉपुलेशन की स्किन के साथ होती ही है। एक और छोटी सी बात कि जब वो फ्रेग्रेंस इस्तेमाल करते हैं सीरम्स में, तो डीनेचर्ड अल्कोहल की भी एक स्मॉल क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं, और डीनेचर्ड अल्कोहल अल्टीमेटली लीड्स टू ड्राइनेस एंड इरिटेशन। सो या इफ यू हैव एब्सोल्युटली फ्लॉलेस स्किन लाइक दुर्विशा, गो फॉर गुड फ्रेग्रेंस सीरम्स, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम अवॉइड देम।